नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और कंप्यूटर टॉप 500 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 5 पार्ट में टोटल 125 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 126 से आज हम 150 तक डिस्कस करेंगे। हर वीडियो के अंदर हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप इनको रट दें, अच्छे से एक बार दो बार रिवाइज करें, वीडियो देखें। PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। इसके साथ साथ यदि आप HSSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो मेरा पेड कोर्स है, बहुत ही कम पैसे के अंदर एक अच्छी नॉलेज, यदि आप अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो किस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं, तो ज़रूर आप वो वीडियो देखें आपको पसंद आए तो। और यदि आप उस कोर्स की जानकारी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप 9728714677 पे आप मुझे व्हाट्सअप करके भी जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 126। जो वायरस डाटा फाइल को ख़राब कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो सिंपल सा है कि वो डेटा फाइल वायरस कहलाते हैं, जो डाटा फाइल को क्या है, डिस्ट्रॉय कर दें। नेक्स्ट है संपूर्ण लैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। संपूर्ण लैन नेटवर्क को संक्रमित करने के लिए कौन कुख्यात है? तो जो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कुख्यात है या उसको प्रभावित करने के लिए, उसको बोलते हैं बमर्स। ठीक है, नेक्स्ट है एक सुपर कंप्यूटर द्वारा प्रति सेकंड गणना की रफ्तार कहाँ तक पहुँची है, मतलब एक सेकंड में कितनी कैलकुलेशन हो सकती है? तो वो है 25 अरब अंक गणितीय ऑपरेशन कर सकता है एक सुपर कंप्यूटर एक सेकंड के अंदर, इतनी उसकी पावर है, रफ्तार है, तेजी है। क्वेश्चन नंबर 126, आधुनिक सुपर कंप्यूटर में तेज़ रफ्तार के लिए प्रोसेसर किस तकनीक का प्रयोग किया गया? तो इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज़ किया गया है। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी? तो विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर की आकृति बेलनाकार थी। TCP का फुल फॉर्म बताना है आपको, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं। डिजिटल डाटा को एनालॉग में और एनालॉग डाटा को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो मॉडेम का यूज़ करते हैं डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए। डोमेन का नामकरण में नेटवर्क संगठनों के लिए कौन सा संकेत प्रयोग होता है? तो डोमेन का नामकरण के लिए नेटवर्क संगठनों में .NET का यूज होता है। ईमेल के लिए पता कौन प्रदान करता है? जो ईमेल एड्रेस के लिए जो है कौन प्रदान करता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP बोलते हैं, जो ईमेल के लिए पता प्रदान करता है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 134 के बाद हम देखते हैं 135 में अनुसंधान। जो DRDO है, डिफेंस जो रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO अनुसंधान विकास संगठन में एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप द्वारा निर्मित कंप्यूटर का नाम PACE है। PACE का पूर्ण रूप क्या है? तो ये ऊपर भी पढ़ा था हमने कि कौन सा कंप्यूटर बनाया था DRDO ने, जो एक न्यूमेरिकल रिसर्च के लिए वो PACE बनाया था, तो उसको बोलते हैं प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिक कंप्यूटेशंस एंड इवेल्युएशंस। ठीक है, ये PACE की फुल फॉर्म है, प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिक कंप्यूटेशंस एंड इवेल्युएशंस। ठीक है, ये मतलब है न्यूमेरिकल रिसर्च करने के लिए इसका ज़्यादा एडवांस यूज करते हैं DRDO। 136, कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है BIOS। ठीक है, BIOS। जब कंप्यूटर को कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट की द्वारा ऑफ किया जाता है तो क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं वार्म बूटिंग के लिए हम कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट दबाएंगे तो वो वार्म बूटिंग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं CMOS किसका संक्षिप्त रूप है।
CMOS किसका संक्षिप्त रूप है, तो आपको बताना है इसकी फुल फॉर्म, तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल नहीं मेटल, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगला है आर्पेनेंट किसका संक्षिप्त, इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है, तो ए से बनेगा एडवांस, आर से रिसर्च, पी से प्रोजेक्ट, ए से एजेंसी, और ये नेटवर्क हो गया पीछे। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। ठीक है, प्रोजेक्ट्स। हार्ड डिस्क में जिस स्थान पर डीओएस की बूटिंग, डॉस की बूटिंग फाइल लिखी जाती है, उस स्थान को क्या कहते हैं, तो बूट सेक्टर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बूट सेक्टर। मेनू क्या है, तो निर्देशों की सूची है। मेनू क्या होता है, जिसमें सारी चीज़, जैसे क्या क्या चीज़ें आप देखोगे कि इसमें है, तो वो निर्देश की सूची है। इंटीग्रेट सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, वो तीसरी थर्ड जनरेशन है इंटीग्रेट सर्किट की हम बात करें तो, आईसी चिप। कंप्यूटर की शक्ति किस में मापी जाती है, तो स्पीड एंड मेमोरी में, रफ्तार एवं स्मरण शक्ति में, स्पीड और मेमोरी में कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है। 144, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा को किस गणितीय पद्धति के अंतर्गत दर्शाया जाता है, तो वो होता है बाइनरी, बाइनरी लैंग्वेज जो है, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है, किस गणितीय पद्धति के अंतर्गत दर्शाया, बाइनरी, वन और जीरो की फॉर्म में ही, जीरो वन की फॉर्म में समझता है। 1 मेगाबाइट, MB बराबर होता है 124 किलोबाइट, 1000, सॉरी 1024 किलोबाइट, KB का मतलब होता है किलोबाइट। ठीक है, 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। कंप्यूटर की शब्दावली में प्रत्येक निर्देश का एक कोड होता है, इस कोड को एक निश्चित कंट्रोल सिग्नल में बदलने वाली इकाई को क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल, CU। ठीक है, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं इसको। जब कंप्यूटर ऑन रहता है तो प्राइमरी मेमोरी सभी निर्देशों को याद रखती है, जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो प्राइमरी मेमोरी से सभी निर्देश समाप्त हो जाते हैं, तो कंप्यूटर की भाषा में इसे क्या कहते हैं, तो इसको रैम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम। बिजली के बाधित होने पर गुम होने वाले मेमोरी क्या कहलाती है, तो वो होती है वोलोटाइल मेमोरी, रैम, जो जैसे लाइट जाने के बाद जो डाटा उठ जाए वो किस में होता है, रैम में होता है, रैंडम एक्सेस में, उसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। अभी सबसे आधुनिक ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है, तो वो है EOD, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क, फुल फॉर्म है इसकी। और लास्ट क्वेश्चन है कैश मेमोरी क्या है, तो CPU, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, माइंड ऑफ कंप्यूटर होता है, CPU और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित जो फास्ट मेमोरी होती है उसको हम कैश मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 6। ऐसे ही हम सारे पार्ट 15-20 पार्ट में ये कंप्लीट 500 क्वेश्चन कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में पुलिस एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, बैंकिंग में, सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम लगभग में जो है 1-2 क्वेश्चन, और हरियाणा में ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कॉमेंट ज़रूर करें। ठीक है, कॉमेंट आप करेंगे तो इससे क्या है, थोड़ा सा लाइक कमेंट करने से थोड़ा सा वीडियो ट्रेंडिंग में आ जाता है, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइक कमेंट शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।